धड़ाम से गिरी अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन, कैसा है लाल सिंह चड्ढा का हाल? अक्षय कुमार की रक्षाबंधन और आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा दोनों ने ही दर्शकों को अपने प्रदर्शन से निराश किया है। दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई हैं। अक्षय कुमार की बच्चन पांडे और सम्राट पृथ्वीराज जैसी फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में अब एक और नाम जुड़ता नजर आ रहा है। जी हाँ, रक्षाबंधन के दिन रिलीज हुई उनकी फिल्म रक्षाबंधन तीसरे दिन ही बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ती दिख रही है। वहीं आमिर खान और करीना कपूर की विवादित फिल्म लाल सिंह चड्ढा भी कुछ खास कमाई नहीं कर पाई है। तो चलिए जानते हैं दोनों फिल्मों ने अपनी रिलीज के तीसरे दिन कितनी कमाई का आंकड़ा पार किया है। 11 अगस्त को रिलीज हुई बॉलीवुड के दो बड़े सितारे आमिर खान और अक्षय कुमार की फिल्में रिलीज हुई हैं। एक साथ रिलीज होने की वजह से दोनों फिल्मों में क्लैश की उम्मीदें जताई जा रही हैं। लेकिन रिलीज के बाद दोनों ही फिल्में कुछ खास कमाल करती नजर नहीं आ पा रही है। अक्षय की ये फिल्म जो भी रही फ्लॉप, रिपोर्टर्स के अनुसार डायरेक्टर आनंद एल रॉय की फिल्म रक्षाबंधन की बात करें तो इस फैमिली ड्रामा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों को निराश कर दिया है। 3 दिनों में फिल्म कुल 21 करोड़ की कमाई ही कर पाई है। इसी के साथ फिल्म सिनेमा घरों में दर्शकों का प्यार बटोरने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं फिल्म में ओपनिंग डे और दूसरे दिन मिलाकर केवल 14 करोड़ का आंकड़ा ही पार किया है लाल सिंह चड्ढा ने की इतनी कमाई। अब बात करते हैं रिलीज से पहले से ही विवादों पर गिरी आमिर खान और करीना कपूर स्टार लाल सिंह चड्ढा की, तो यह फिल्म भी दर्शकों को सिनेमा घरों में रोकने में नाकामयाब साबित हुई है। आइए देखते हैं और इसी कुछ चटपटे ताजा खबरों को, उसे देखने के लिए बने रहिए एशिया न्यूज इंडिया से। योर राइट टू नो।